हेलो एवरीवन, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 फ्रॉम एक्सरसाइज 13.3। देखिएगा इसमें क्या किया जा रहा है, एक स्फीयर है, मेटालिक स्फीयर है, जिसका रेडियस है 4.5। इसको मेल्ट किया गया, पिघला दिया गया, इसको रिकास्ट, फिर से दूसरा शेप दिया गया, और वो शेप दिया गया एक सिलेंडर का, और ऐसा सिलेंडर जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। बट हाइट कितनी होगी, अगर रेडियस हम 6 फिक्स कर दें तो हाइट कितनी जाएगी ये पता करना है। अच्छा देखिए, जब भी किसी एक शेप को मेल्ट करके दूसरी शेप में रिकास्ट किया जाए तो एक बात याद रखिएगा, इस कंडीशन में वॉल्यूम चेंज नहीं होता है। यानी इस स्फीयर को मेल्ट करके रिकास्ट किया गया एक सिलेंडर, तो हम ये समझ जाएं कि इस स्फीयर का जितना भी वॉल्यूम होगा सेम उतना ही वॉल्यूम इस सिलेंडर का होगा। ओके, रेडियस ऑफ स्फीयर 4.2, रेडियस ऑफ सिलेंडर 6। चूंकि दोनों रेडियस डिफरेंट है इसलिए दोनों का नोटेशन अलग अलग करिए। आप बना हाइट ऑफ द सिलेंडर वी हैव टू फाइंड ऑन मेल्टिंग, जब मेल्ट करते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर विल बी इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। दोनों ने फार्मूला पुट कर दिया। पुट करते वक्त इस बात का ध्यान रखें, सिलेंडर के लिए जो रेडियस यूज करें फार्मूले में, तो ये r² r² और वॉल्यूम ऑफ स्फीयर में रेडियस के बेस्ट पर r1 यूज करें। सारी वैल्यूज पुट की और इन कंडीशन में क्या करते हैं, वॉल्यूम सेम होता है ना तो पाई कैंसिल हो जाता है मोस्टली, इसलिए पाई की वैल्यू पुट करनी पड़ती है। सारी वैल्यूज पुट कर दी, 4 से 4 9 36, ये 9 यहाँ 3 के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा। देखिए 9 को हमने फैक्टर करके लिया 3 से, और ये हो गया अभी 3 और 3 से ये तीनों डिवाइड होंगे और 1.4 और 1.4 है ना, और तीनों को मल्टीप्लाई कर 2.74। यही हाइट ऑफ द सिलेंडर है जो कि नया बन गया है। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या है, 3 स्फीयर्स है, सॉलिड स्फीयर्स, एक की रेडियस 6 सेंटीमीटर, एक की 8 सेंटीमीटर है और एक की 10 सेंटीमीटर। इन तीनों स्फीयर्स को मेल्ट कर दिया गया और आपस में मिला करके एक सॉलिड स्फीयर बड़ा सा बनाया गया ये। अब जो ये बड़ा सा जो सॉलिड स्फीयर बना है इसकी रेडियस फाइंड करनी है कितनी होगी। तो देखिए, जब इन तीनों इसको इसको और इसको तीनों को मेल्ट किया गया है तो तीनों को वॉल्यूम मिल गया ना, यानी कि इन तीनों के वॉल्यूम का जो सम होगा वो इस पूरे एक स्फीयर के वॉल्यूम के इक्वल होगा। ठीक है ना, आप देखिएगा रेडियस ऑफ फर्स्ट स्क्वायर उसको r1 से ले रहे हैं 6, सेकंड की r2 8 और थर्ड स्क्वायर की रेडियस r3 9। और जो रिजल्टिंग हमारा स्क्वायर आया सॉलिड स्क्वायर बड़ा वाला, उसकी रेडियस को कैपिटल r से ले लिया है, वो हमें फाइंड करनी है। ऑन मेल्टिंग हम जानते हैं वॉल्यूम ऑफ रिजल्टिंग स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ द वॉल्यूम्स ऑफ द ऑल द 3 स्क्वायर्स। वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर जब इन नोट करेंगे तो याद रखेंगे कि सबकी रेडियस को रिस्पेक्टिवली वही लिखेंगे, बड़ा वाला है तो 4.3 pi r³, 4.3 pi r³³, r² r³। अभी ये 4.3 pi तीनों जो है कॉमन बाहर निकाल दिया और ये 4.3 और ये पाई दोनों के आंसर हो जाएंगे। सिर्फ बचेगा इतना r³ और इनके क्यूब्स पुट कर दिए, वैल्यू सॉल्व किया, ये आ गया 1728 और ये होता है 12 का क्यूब होता है। अब बोथ साइड जब पावर सेम हो तो बेस इक्वल ले लिए जाते हैं, ये बात हम पहले से जानते हैं। तो आर इक्वल कितना आ गया 12 सेंटीमीटर, यानी कि जो ये रिजल्टिंग यानी सबसे बड़ा स्फीयर जो है ना उसकी रेडियस क्या होगी 12 सेंटीमीटर।